हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएचएसएल 15 मार्च 2018 को फर्स्ट शिफ्ट यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास जीएस से रिलेटेड आए, उस पर हम कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन पहला देखा गया जीए से रिलेटेड, जीए में एक क्वेश्चन पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी, फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल पूछा गया। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी थी और दो वैल्यू दे रखी थी, हाइट और मास की। तो गाइज आपको कल ही हमने ये बताया था, जब काइनेटिक एनर्जी का कल एक क्वेश्चन आया हुआ था, हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी का भी नेक्स्ट शिफ्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो पोटेंशियल एनर्जी से ही रिलेटेड आज क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें जस्ट आपने मास की वैल्यू पुट करनी थी और हाइट की वैल्यू पुट करनी थी और जी की वैल्यू होती है हमारे पास 9.8, वेयर जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी थी और जो भी ऑप्शन दे रखे थे उसमें से राइट आंसर आपने टिक करके आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, एक क्वेश्चन पूछा गया जजिया कर से रिलेटेड, जजिया कर सर सबसे पहले किसने लगाया? तो जजिया टैक्स फर्स्ट इम्पोज्ड बाय, तो इसका जो आंसर होगा राइट आंसर होगा वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बायोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन देखा गया, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स, जो भी प्लांट्स में वाटर और मिनरल का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह, जो वाटर और मिनरल्स जाते हैं प्लांट्स में, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ट्रांसपीरेशन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लांट विद डबल रेडियस ऑफ अर्थ, एक और फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। ये हम प्रीवियस शिफ्टों में भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जी की वैल्यू पर क्या असर पड़ेगा जब हम रेडियस ऑफ अर्थ को क्या कर दे, डबल कर दे। जब हम अर्थ की रेडियस को ही डबल कर दे तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या असर पड़ेगा। तो गाइज एक सिंपल सा फॉर्मूला आप रट लीजिए कि स्मॉल जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है gm डिवाइड बाय r स्क्वायर। अगर हम मास डबल करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डबल होगी, मास ट्रिपल करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ट्रिपल होगी, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट क्वेश्चन में ये पूछा गया था रेडियस डबल कर दी, तो आप खुद देखिए यहां पर रेडियस नीचे है और बल्कि रेडियस का स्केयर है। अगर आप रेडियस आर की जगह अगर आप 2r पुट करते हैं, तो 2r पुट करने के बाद जब 2r का आप स्केयर करेंगे हो जाएगा 4r स्केयर, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहले से 1/4 हो जाएगी, क्योंकि नीचे वहां पर 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला, आप रट लीजिए gm डिवाइड बाय r स्केयर। अगर रेडियस डबल कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/4 होगी, अगर आप रेडियस ट्रिपल करेंगे क्योंकि 3 का स्केयर हो जाएगा 9, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/9 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार से रिलेटेड, जितने भी पड़ोसी मुल्क है अच्छे से पढ़ जाइए। क्वेश्चन पूछा गया था लार्जेस्ट सिटी ऑफ म्यांमार, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यंगून। यंगून इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ म्यांमार। और म्यांमार से रिलेटेड और जो फैक्ट अभी तक नहीं आए हैं तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, म्यांमार की कैपिटल और म्यांमार की करेंसी जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका का हाईएस्ट पीक, फिर से जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, श्रीलंका का हाईएस्ट पीक पॉइंट पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पिडरू टाला गाला माउंटेन। ये जो आपको दे रखा है पिडरू टाला गाला माउंटेन इज द श्रीलंका हाईएस्ट पॉइंट, और इसकी जो हाइट है सी लेवल से 2524 मीटर ऊपर ऊंचाई है। तो राइट आंसर होगा श्रीलंका का हाईएस्ट पॉइंट पिडरू टाला गाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐप से रिलेटेड, जो उमंग ऐप है उसमें जी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो देखा गया क्वेश्चन है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा था, विच कंट्री हैज यूज्ड हेलीकॉप्टर फॉर इट्स कोस्ट सिक्योरिटी, जो कोस्ट सिक्योरिटी के लिए जो हेलीकॉप्टर कौन सी कंट्री ने यूज किया है। चार ऑप्शन जो दे रखे थे, जापान, यूएसए, जर्मनी और सोमालिया, तो इनमें से जो राइट आंसर होगा कोस्ट सिक्योरिटी के लिए जो हेलीकॉप्टर जो यूज किया है उसका राइट आंसर आएगा यूएसए ने। तो ये भी जितने भी हम कह सकते हैं करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जा रहे हैं। एक आप करंट अफेयर्स अच्छे से कीजिए और जितने भी पड़ोसी मुल्क है, जिन स्टूडेंट्स का नेक्स्ट शिफ्टों में एग्जाम है, करंट अफेयर
और साथ ही साथ पड़ोसी देश के बारे में अच्छे से डिटेल जानकारी आप लेकर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है। सेबी इम्पोज ए फाइन, सेबी कितने, सेबी जो है इम्पोज करती है, कितना फाइन इम्पोज करती है कंपनियों पर हु कैन नॉट क्लियर इट्स आईपीओ, जो आईपीओ क्लियर नहीं कर पाती कंपनियां, पर डे 5,000, पर डे 10,000, पर डे 15,000 या पर डे 20,000। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता दे ये जो न्यूज है वो है जून 2017। तो जून 2017 के करंट अफेयर से रिलेटेड भी पूछे जा रहे हैं, तो जून से लेकर आप दिसंबर 2017 के जितने करंट अफेयर है वो जरूर अच्छे से देखिए। तो इसमें जो करंट अफेयर की जो न्यूज है उसमें यहाँ बता रखा है कि सेबी जो है वो फाइन इम्पोज करती है 20,000 पर डे का, जो डिले करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 20,000 पर डे। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास आए, क्वेश्चन नंबर 10 हम डिस्कस कर रहे हैं हु डिसाइड्स एमएसपी, एमएसपी कौन डिसाइड करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डिसाइड करता है एमएसपी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पीकॉक अवार्ड से रिलेटेड पूछा गया था कि किस स्टेट के सीएम को पीकॉक अवार्ड मिला। तो पीकॉक अवार्ड जो मिला है वो मिला है चंद्राबाबू नायडू जी को, और वो आंध्र प्रदेश के सीएम है। तो किस स्टेट के सीएम को पीकॉक अवार्ड मिला, आंध्र प्रदेश विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी देखा गया, फिर से वही करंट अफेयर से एक और क्वेश्चन देखा गया। इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन टू बी लॉन्च्ड इन 2019, पहला सोलर मिशन इंडिया का कौन सा है, वो है आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 13, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखा गया, वैलेंसी डिपेंड्स ऑन, और चार ऑप्शन आपको दे रखे थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, वैलेंसी किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन गेन पर, इलेक्ट्रॉन डोनेट पर, इलेक्ट्रॉन शेयर पर, और ऑल ऑफ थ्री। तो ये चार ऑप्शन दे रखे थे। तो गाइस आप इस क्वेश्चन नंबर 13 का आप हमें कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वैलेंसी केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, वैलेंसी किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन गेन पर, इलेक्ट्रॉन डोनेट पर, या इलेक्ट्रॉन शेयर पर, या फिर इन तीनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आईडीए से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखा गया। आईडीए की अगर हम फुल फॉर्म बात करें वो होती है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और ये इज ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक डेट हेल्प द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्री। तो आईडीए से रिलेटेड जितनी हमारे पास नॉलेज है, जितनी जानकारी है, उसके अकॉर्डिंग आईडीए क्या है, ये एक तरह से वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है जो वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्री को हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गया, विच पार्ट ऑफ सेल अलाउस द एंट्री एंड लीविंग ऑफ केमिकल। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, सेल का कौन सा पार्ट अलाउ करता है एंट्री एंड लीविंग ऑफ केमिकल। तो ये भी बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन देखा गया। तो जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमने ये डिस्कस किए, ये सभी आज मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए। अगर हम मैथ के क्वेश्चनों की बात करें, कुछ एक दे रखा है डी ई एफ इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और सीकेंट डी की वैल्यू दे रखी है, कोसीकेंट एफ निकालना है। देखिए प्रीवियस ईयर प्रीवियस शिफ्टों से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रीजनिंग का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 18@12 को इसने 3 लिखा, 2@14 को यहां पर इसने लिखा -6, 4@4 को लिखा 0, 2@16 को क्या लिखेगा। देखिए जब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, 18@12 है, तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 6, लेकिन हम उसका आंसर 6 लिखने की बजाय उसका हाफ कर रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, 2@14। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -12, तो -12 लिखने की बजाय हम उसका हाफ -6 लिख रहे हैं, यहाँ पर -6 आएगा। 4@4 बिल्कुल सब्ट्रैक्ट किया 0 आया, 0 को 2 से भाग किया 0 ही आएगा। तो 2@16 को आप क्या लिखेंगे, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे वो आएगा -14, -14 लिखने की बजाय आप लिखोगे -14 को भी 2 से भाग करोगे, तो आंसर आएगा हमारे पास -7 विल बी द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर हम पहुंच चुके हैं, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन देखा गया, इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का ये क्यूब दे रखा था या क्यूबॉइड दे रखा था, टोटल सरफेस एरिया किसका दे रखा था, क्यूब का सरफेस एरिया दे रखा 337.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, रेडियस निकालना था। एग्जैक्ट क्वेश्चन हमारे पास जैसे ही आते हैं हम जितने भी
एग्जैक्ट क्वेश्चन जैसे ही आ रहे हैं हम वो सभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपडेट कर देंगे। एक क्वेश्चन बिल्कुल सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड, सर्कमफ्रेंस गिवन था, एरिया निकालना था। और इंग्लिश सेक्शन की अगर हम बात करें तो जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास मिले हम इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सिनोनिम जो पूछे गए, एक डिबोनर, रेवेट और एंटोनिम्स जो हमारे पास हमें मिले उसके अकॉर्डिंग कैंडिड और एविनेंस पूछे गए थे। और स्पेलिंग मिस्टेक जो स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट करके बताया, स्पेलिंग मिस्टेक में जो क्वेश्चन था वो था क्वेश्चनियर से रिलेटेड। तो गाइस जितने भी स्टूडेंट आप ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे ही आपकी शिफ्ट कंप्लीट होती है तो आप अपने क्वेश्चन जरूर किसी भी वीडियो में शिफ्ट डे लिखकर आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए वो बेनिफिशियल रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है जरूर लाइक शेयर कीजिए, और जो नए व्यूअर है जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।